तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले लाल सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए और पास में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आपके दरवाजे पे दस्तक दे। तो गाइस, आप अगर घर में कोई कूल सर्किट बनाना चाहते हो या फिर उसे रिपेयरिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जानना होगा सारी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में, जैसे रेजिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी, ऐसे ही बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। ये सब कंपोनेंट्स में एक बहुत ही यूजफुल कंपोनेंट्स है जिसका नाम है कैपेसिटर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कैपेसिटर का फुल वर्किंग प्रिंसिपल समझाऊंगा। एक कैपेसिटर आप किसी भी सर्किट में क्यों इस्तेमाल करेंगे, कैपेसिटर कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन सा कैपेसिटर कहाँ यूज़ आता है, ये सारी चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो लेट्स गो फॉर सेट अबाउट। तो गाइस, कैपेसिटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए सोचिए ये वाटर सोर्स आपका वोल्टेज सोर्स है और सोचिए ये वाटर टैंक है आपका कैपेसिटर। तो गाइस, आप सभी जानते हो कि कैपेसिटर वोल्टेज को स्टोर करता है, इसी तरह से यहाँ पर ये वाटर टैंक वाटर को स्टोर कर रहा है। मतलब मैंने यहाँ पर वाटर को वोल्टेज की तरह एज ए एग्जांपल यूज़ किया है। तो जब तक इस वाटर टैंक का इनपुट सोर्स से वाटर आ रहा है तब तक अच्छी तरह से इसका आउटपुट सोर्स से भी वाटर निकल रहा है। लेकिन अगर मैं इसका इनपुट सोर्स अभी क्लोज कर देती हूँ तब भी इसका आउटपुट सोर्स में कुछ देर के लिए आप देख सकते हो सप्लाई आपको मिलता रहेगा। तो अगर अभी मैं इसका इनपुट सोर्स कॉन्टिन्यूसली ऑन एंड ऑफ करूं तब भी इसका आउटपुट सोर्स में किसी भी तरह का इंटरप्ट या फिर रुकावट देखने के लिए नहीं मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हो। तो एक कैपेसिटर एग्जैक्टली इसी तरह से काम करता है, चाहे वो किसी भी तरह का कैपेसिटर हो, पोलर कैपेसिटर या फिर नॉन पोलर कैपेसिटर। आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आपके दरवाजे पर दस्तक दे। गाइज, आप किसी भी सर्किट में कैपेसिटर का इस्तेमाल क्यों करेंगे? बेसिकली हम दो जगह में कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, जब हम एसी टू डीसी कन्वर्ट करेंगे तब, और जब किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर या फिर वोल्टेज कांस्टेंट रखना हो तब। तो वोल्टेज या फिर पावर फैक्टर कांस्टेंट रखने का मतलब है आपका सर्किट जितना एम्पियर या फिर वोल्टेज कंज्यूम करेगा उतना एम्पियर आपके सर्किट को मिलता रहेगा बैटरी से कैपेसिटर थ्रू, वो भी बिना रुकावट। मतलब आपके सर्किट को जितना वोल्टेज अभी चाहिए उतना वोल्टेज आपकी सर्किट के लिए कैपेसिटर अपने अंदर पहले से ही स्टोर करके रख देता है। जैसे सोचिए, आप रात में जो खाना खाओगे वो खाना आपके मम्मी आपके लिए शाम को ही बना के रखती है। तो यहाँ पर कैपेसिटर बिल्कुल आपकी मम्मी की तरह ही काम करता है। आई होप आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। और अगर आपको समझने में किसी भी तरह का दिक्कत आए तो आपका भाई तो है आपके साथ। सीधा कमेंट बॉक्स में जाओ, अपना क्वेश्चन ड्रॉप करो, और फिर भी आपको रिप्लाई आने में डिले होता है तो आप इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज, अब अगर हम एक कैपेसिटर को एसी टू डीसी कन्वर्ट करने में यूज़ करेंगे तो फिर एक कैपेसिटर कैसे काम करेगा, तो ये जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा एसी और डीसी का फुल वर्किंग प्रिंसिपल। तो इसके ऊपर भी मेरा और एक वीडियो है, आप ऊपर आई बॉक्स में क्लिक करके एसी और डीसी के बारे में फुल डिटेल्स जान सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। नॉर्मली एसी से डीसी कन्वर्ट होता है डायोड से, लेकिन डायोड यूज़ करने के बाद भी एसी करंट का जो फ्रेज और न्यूट्रल है जो चेंज होता रहता है हमेशा, जिसके वजह से हमारे घरों का जो बल्ब होता है वो बहुत तेज़ी से ब्लिंक करता है, जिसे हम खुली आँखों में नहीं देख सकते हैं, वो पल्स थोड़ा सा रह जाता है। तो इस पल्स करंट को कांस्टेंट करने के लिए, मतलब डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है। एसी टू डीसी कन्वर्ट होने में ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है, और इस कैपेसिटर में दो प्लेट होता है, एक प्लेट में पॉजिटिव एनर्जी स्टोर होता है और दूसरे में नेगेटिव एनर्जी स्टोर होता है। तो दो अलग अलग प्लेट में सेपरेट होने के बाद इसमें किसी भी तरह का पल्स नहीं रहता है। पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव एनर्जी आउटपुट देता है और नेगेटिव प्लेट से नेगेटिव एनर्जी आउटपुट देता है। तो दोनों ही टर्मिनल्स एक दूसरे से सेपरेट होने की वजह से ये पूरी तरह डीसी में यानी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मली कैपेसिटर थ्री टाइप्स का होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, मीका कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर। लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत सारे कैपेसिटर देखने के लिए मिल जाएगा। बेसिकली ये तीन कैपेसिटर ही, इलेक्ट्रोलाइटिक, वेरिएबल और मीका कैपेसिटर, ये तीन कैपेसिटर बेसिकली सारे सर्किट्स में यूज़ होता है। लेकिन इसके अलावा भी मैंने बताया कि और बहुत सारे कैपेसिटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सारे कैपेसिटर को एक एक करके पहचान लेते हैं। चलिए,
तो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले डिवाइस में सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटर यूज़ होता है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, जो कि इस तरह का दिखता है, आप देखकर तो पहचान ही गए होंगे। तो इसके बाद आता है हमारा मीका कैपेसिटर, जो कि इस तरह का दिखता है, आप देख सकते हो इस कैपेसिटर में कोई पोल नहीं है, मतलब ये कैपेसिटर नॉन पोलर है। तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, जैसे कि एक मैग्नेट में साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल दोनों पोल है, उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पोल है। तो जिस कैपेसिटर में ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोल सेपरेट किया है, उस कैपेसिटर को हम पोलर कैपेसिटर बोलते हैं। और जिस कैपेसिटर में किसी भी तरह का पोल नहीं है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट नहीं है, उसको हम नॉन पोलर कैपेसिटर बोलते हैं। और इसके बाद आता है हमारा वेरिएबल कैपेसिटर, जो कि इस तरह का दिखता है। इस कैपेसिटर का नाम से ही आपको पता चल गया है कि इसका वैल्यू हम अपने हिसाब से इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। कैपेसिटर का वैल्यू का बात जब आ ही गया है, तब मैं आपको बता दूं कि कैपेसिटर में आपने बहुत सारे वैल्यू का नाम सुने होंगे, जैसे कि पीएफ, एनएफ, यूएफ। तो ये सब पीएफ मतलब पिको फैराड, एनएफ मतलब नैनो फैराड, और माइक्रो फैराड जो कि यूएफ सिंबल है उसका। तो ये सब क्या है? तो 1000 यानी 1 पिको फैराड इक्वल्स टू 1 नैनो फैराड, और 1 नैनो फैराड इक्वल्स टू 0.001 माइक्रो फैराड। तो मैं एक चार्ट दे रहा हूँ जिसे आप आसानी से समझ सकोगे।